औरंगाबाद बस स्टैंड स्थित पुराने डाकघर की दीवार गुरुवार को अचानक गड़बड़ाकर गिर गई। उसके पास से गुजर रही एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई तथा महिला उसके मलबे में दब गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना फतेहाबाद का फोर्स जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचा, महिला को बाहर निकाला। क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती कराते हुए अच्छे उपचार का भरोसा दिलवाया। बताया गया कि उक्त इमारत पूरी तरह से जर्जर थी तथा इसमें डाकघर संचालित था जो कुछ माह पूर्व ही फतेहाबाद तहसील मुख्यालय पर शिफ्ट हुआ है। अभी जो हादसा हुआ है दीवार गिरने से क्या स्थिति? ये देखिए, फतेहाबाद कस्बे में बस स्टैंड के पास में एक पुराना जो है वो पोस्ट ऑफिस है, ये उसी की दीवार है। वहाँ से एक महिला जो है छोटी देवी, उम्र इनकी करीब 40 साल है, ये जा रही थी अपने भांजे के साथ में। उसी समय वो दीवार गिर गई थी और इन्होंने बचने का प्रयास किया लेकिन वो दीवार की चपेट में आ गई, जिससे इनके शरीर में थोड़ी चोटें आई और लेफ्ट पैर में इनके फ्रैक्चर बताया जा रहा है, जिसका डॉक्टर बता रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाकी हालत उनकी ठीक है। सर, उसके बाद बचाव राहत कार्य जो भी बचाव राहत कार्य में देख लिया गया और कोई व्यक्ति जो है किसी को चोट नहीं आई और कोई वहाँ पर दवा भी नहीं है, पूरा तरह से देख लिया गया, मलबा सब हटवा दिया गया वहाँ से। सर, बिल्डिंग पूरी जर्जर पड़ी है तो क्या मकान मालिक से भी बोल दिया? हाँ, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो बेहतर नहीं करवाई। सर, जो बारिश का मौसम इस समय चल रहा है, लगातार ऐसे जर्जर वाहन जर्जर जो भवन हैं उनके लिए कोई प्रक्रिया चलेगी क्या अपनी तरफ से बाद में? आज का क्या कहते हैं SDM फतेहाबाद से बात करके और इन चीज़ों इन ऐसी इमारतें जो होंगी उनको चिन्हित कराया जाएगा और उसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई होगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।